200 मेरा नाम है दलबीर सिंह और आप सभी का मोगलिक्स के YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल इंडिया में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, रात में तापमान करीब करीब 3-5 डिग्री सेल्सियस तक भी हो जाता है। ऐसे में सिर्फ गर्म कपड़े पहनना काफी नहीं होता है, आपको जरूरत है एक अच्छे रूम हीटर। अगर आप अपने घर या ऑफिस के लिए एक अच्छा रूम हीटर लेने का सोच रहे हैं और आपको नहीं पता है कि रूम हीटर के कितने टाइप्स होते हैं, उनके क्या फायदे हैं और आपके घर या ऑफिस के लिए कौन सा रूम हीटर सबसे अच्छा हो सकता है, तो चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। इंफ्रारेड हीटर्स का जो वजन है वो काफी कम होता है, इसलिए आप इन्हें एक जगह से लेकर दूसरी जगह आप इन्हें आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। ये स्मॉल एरियाज के लिए काफी सूटेबल होते हैं, ये कम एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आपको इंस्टेंट रूम में हीट चाहिए होती है तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि कुछ मिनट में ही एरिया को काफी गर्म कर देते हैं। फैन नहीं लगा होता है, इसी वजह से ये चलते वक्त शोर भी नहीं करते। सबसे बड़ा नुकसान इनके साथ ये होता है कि चलते वक्त ड्राइनेस कॉज करते हैं, जिसकी वजह से आपको रूम में सफोकेशन भी हो सकती है। कम टाइम में एक ज्यादा बड़े एरिया को हीट करने के लिए काफी सक्षम होते हैं। इनकी सबसे खास बात यह होती है कि इनका जो वजन है वो भी काफी कम होता है, इसलिए आप इन्हें एक जगह से लेकर दूसरी जगह आप इन्हें आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। इनकी हीटिंग एफिशिएंसी जो है वो इंफ्रारेड हीटर से ज्यादा होती है, तो इनके अंदर भी आपको सफोकेशन वाला जो इशू है वो आपको फेस करना पड़ता है कि रूम के अंदर सफोकेशन या फिर ड्राइनेस हो जाती है अगर आप फैन हीटर्स को यूज करते हैं। दूसरा जो वो इनके साथ नुकसान होता है वो ये, क्योंकि इनमें फैन लगा होता है तो चलते वक्त आवाज करते हैं या ये नॉइस भी करते हैं। ये हीटर्स एक बड़े रूम को या एक बड़े ऑफिस स्पेस को हीट करने के लिए सबसे अच्छे साबित होते हैं। इनकी सबसे जो खास बात होती है वो ये कि ऑक्सीजन को बिल्कुल भी बर्न नहीं करते हैं, जिस वजह से सफोकेशन या ड्राइनेस नहीं होती है। इनकी हीटिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है। इसके साथ साथ ये टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, रूम टेम्परेचर जैसे ही मेंटेन होता है उसके बाद ये पावर को कट आउट कर देते हैं, और रूम टेम्परेचर जैसे ही डिक्रीज होता है ये वापस से हीटर को खुद ब खुद ऑन कर देते हैं। इनकी हीटिंग एफिशिएंसी काफी अच्छी होती है, लेकिन इंस्टेंट हीटर्स नहीं होते हैं, जिस वजह से हीटिंग प्रोसेस में 30-45 मिनट का समय लग जाता है। दूसरा, इनका जो वेट है वो काफी ज्यादा होता है, जिस वजह से आप इन्हें एक जगह से लेकर दूसरी जगह शिफ्ट आसानी से नहीं कर सकते। अब तक आपको रूम हीटर के टाइप्स और उनके बेनिफिट्स के बारे में जानकारी मिल चुकी है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि एक अच्छा रूम हीटर कहां से ऑर्डर किया जाए, तो चिंता मत कीजिए, अब आप घर बैठे बैठे एक अच्छा रूम हीटर ऑर्डर कर सकते हैं। आपको ऑफलाइन मार्केट में जाकर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मोगलिक्स आपके साथ। अगर आप मोगलिक्स से ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप उनकी वेबसाइट www.moglix.com से ऑर्डर कर सकते हैं या प्ले स्टोर से उनकी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी वीडियोस को और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसके लिंक्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।